तो so काज ऐसे कुछ करियर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली कॉलेज डिग्री होना रिक्वायर्ड नहीं है या फिर इन पैरेलल उसी स्ट्रीम में जिस स्ट्रीम में आप जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं या करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी स्ट्रीम में कॉलेज डिग्री होना ये भी रिक्वायर्ड नहीं है उन कुछ करियर्स की हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आता है एंड स्पेशली इसमें ऐसा आता है कि यार आई एम इन एक्स फील्ड एंड आई एम ट्राइंग टू गो टू द वाई फील्ड राइट मैं मार्केटिंग में हूँ बट मुझे डेवलपर बनना है या uh, मैं एक्स फील्ड में हूँ मैंने कॉमर्स लिया था क्या मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट uh, कर सकता हूँ या मैंने आर्ट्स ली थी तो कैन आई मूव इन टू डेवलपमेंट और कैन आई मूव इन टू एक्स और वाई फील्ड राइट एंड ये क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड इट इट्स इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स नॉर्मल टू थिंक दिस बिकॉज मैं भी ये पूरे प्रोसेस से गया हूँ और जाता हूँ सो so, uh, कुछ ऐसे करियर्स की बात करेंगे एज वेल एज लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करूंगा बोनस कुछ फैक्ट्स भी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा अपार्ट फ्रॉम द थ्री मेन टॉपिक्स जो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सो नंबर वन टॉपिक अगेन आपको पता ही है जिसके ऊपर हम पहले से बात करते आ रहे हैं दैट इज डेवलपमेंट और स्लैश प्रोग्रामिंग जिसमें एक तो होता है यार इंजीनियरिंग राइट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग देन जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर राइट तो फ्रंट एंड डेवलपर वगैरह में अब पॉइंट ऐसा है कि आप ये कोर्सेज तो आप कर सकते हैं कोर्सेरा से यूडमी से उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बट जब जॉब्स लेने की बात आए तो भाव नहीं मिलता तो वहां पे क्या है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये होता है कि यार ओपन सोर्स में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं अगर आप उनमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें आप बेटर और डेवलपर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं अच्छे से आपका एक प्रॉपर पब्लिक प्रोफाइल बन पाता है एज अ डेवेलपर विच रियली हेल्प्स यू कि आपका रिज्यूमे पिक हो या आप इंटरव्यू लेवल तक जाएं इन इंटरव्यू लेवल पे चीजें एक्सप्लेन कर पाएं दैट्स वन बट इसके पैरेलल में आप क्या कर सकते हैं इसके पैरेलल में आप जो नेक्स्ट चीज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो वाले सर्टिफिकेशन को अगर अपने डेवलपमेंट नॉलेज के साथ पेयर करें तो आपको थोड़ा सा ईजी हो सकता है जॉब लैंड करना स्पेशली अगर आपके पास उस फील्ड की डिग्री यहाँ पे नहीं है ना एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी कभी कुछ कंपनीज की ना पॉलिसी होती है कि हम ग्रेजुएट के नीचे तो लेंगे ही नहीं बट उसमें वो पॉलिसी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं उसमें ये पॉलिसी नहीं होती कि अगर कंप्यूटर वाला बंदा या डेवलपर हायर करना है तो वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए राइट right? वो सिर्फ एक ग्रेजुएट होना चाहिए सो so, बहुत सारी कंपनीज का ऐसा पॉलिसी मैंने नोटिस किया होता है फाइन विच वी कांट वी कांट फोर्स देम की आप मत करो ऐसा सो so, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है तो कुछ कंपनीज में हो ही नहीं पाएगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ अगर आप वो जितना मर्ज़ी अच्छा इंटरव्यू दे लो अगर उनकी पॉलिसी ही नहीं है दैट्स वन नंबर टू सो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आ गया इसमें अगेन जो भी इनमें से स्किल्स हैं इनके रिलेटेड जो अच्छे कोर्सेज मुझे दिख रहे हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा यू कैन फॉलो दोज कोर्सेज एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें फ्रंट एंड डेवलपर जो लोग हैं वो ज़्यादा बनना इसलिए चाहते हैं या ज़्यादा लोग फ्रंट एंड डेवलपर इसलिए बनते हैं क्योंकि जो सीलिंग है या रैदर जो बार है वो बहुत ही लो है टू एंटर दैट एंड बहुत लो का मतलब ईजी नहीं है मुश्किल ही होगा बट

कर सकते हैं नंबर वन के साथ दैट इज गाइज क्लाउड कंप्यूटिंग नाउ मैक्सिमम कंपनीज जो है फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स राइट नेटफ्लिक्स इज ऑन एडब्ल्यू एस सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्या कि हर कंपनी को जब पहले कुछ करना पड़ करना होता था ना मेरे को अगर वेबसाइट निकालनी है तो मुझे पहले सर्वर वगैरह लाने पड़ेंगे घर पे वो सब अब कुछ नहीं जरूरत है अब सब चीजें क्लाउड पे मूव हो रही हैं एंड सब एज इन मैक्सिमम चीज़ें क्लाउड पे मूव हो रही हैं तो उसमें भी देर इज ऑल्सो लाइक जिन कंपनीज को तो अपना डेटा या अपने डेटा का कंट्रोल मेंटेन करना है वहां पर दे गो फॉर लाइक एन हाइब्रिड अप्रोच की कुछ चीज़ें वो अपने सर्वर पर खुद के सर्वर पर रखते हैं एंड बाकी की चीज़ें क्लाउड पर मूव कर देते हैं सो क्लाउड में तीन बड़े प्लेयर्स आ गए अज्योर आ गया जी सी पी आ गया गूगल क्लाउड एंड एज वेल एज एडब्ल्यू एस आ गया वेब सर्विस तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है एमेजॉन वेब सर्विसेज है उसके बाद एजियोर आ जाता है उसके बाद गूगल क्लाउड आ जाता है तीन बड़े प्लेयर्स है इसके अलावा अलीबाबा वगैरह छोटे भी है जिसमें से मैक्म जो बड़ी बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया वो लोग एडब्लू एस पे है सो so, मैक्म लोग जो है बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड पे यूज करते हैं देर आर अदर स्मॉलर कंपनीज एज वेल बट फॉर नाउ आप जो मेन मेन जो नए लोगों के लिए है वहां पे एडब्ल्यू एस जीसीपी और एजियोर आ जाता है ये तीनों ही बकायदा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा सो मोटा मोटा दस बारह पंद्रह हजार रुपए के बीच में आपको पर सर्टिफिकेशन का कॉस्ट आता है पढ़ाई आप यूडमी के किसी फ्री कोर्स से या तीन सौ चार सौ रुपए के कोर्स से कर सकते हैं या आप गूगल का क्लाउड का प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल आप कोर्स पे ले सकते हैं उसके बाद गूगल का क्लाउड का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ले सकते हैं बट ये सर्टिफिकेट में वेरियस लेवल्स होते हैं एक एंट्री लेवल होता है एसोसिएट लेवल होता है प्रोफेशनल होता है एंड स्पेशलिटी लेवल्स होते हैं तो अगर मैं ईडब्ल्यू इसकी बात करूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग चीजें चली जाती हैं या डेवलपर वाला भी आ जाता है सो so वो आप बाद में एक्सप्लोर यहां पे कर सकते हैं सेकंड लेवल पे तो फर्स्ट लेवल से आपको क्या फायदा हो अब मैं प्रोग्रामिंग के साथ भी इसको ट्राई करता हूं एसोसिएट लेवल का एक डेवलपर सर्टिफिकेट है सो so, डेवलपर्स को जब काम करना है क्लाउड पे तो बैकहेंड जो है क्लाउड पे करना है अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं और आपके पास लेट्स लेसे परफेक्ट या प्रॉपर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है या इस तरह का कुछ नहीं है एंड आपको लग रहा है यार मेरे पास ना सर्टिफिकेशन नहीं है मुझे सर्टिफिकेशन का फायदा हो जाएगा तो बट डेवलपर्स के लिए डायरेक्टली बूट कैंप के अलावा कोई सर्टिफिकेशन ऐस होती नहीं है बूट कैंप भी अगर आप करते हैं तो बूट कैंप इज वेरी एक्सपेंसिव तो क्या किया जाए तो क्लाउड सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं भले ही अगर आप डेवॉप्स वाली साइड पर जाना चाहें तो कोम्यनिटीज वगैरह की भी खुद की अलग से सर्टिफिकेशन आती हैं बट फॉर नाउ फॉर द स्टार्टिंग ए डब्ल्यू एस का सी सी पी हो गया या गूगल क्लाउड का हो गया या Azure का हो गया जो भी उनके एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन हैं वो और उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल भले वो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का हो अब उसमें गूगल में उसका अलग नाम होगा इस पोजिशन का बट सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का हो ए डब्ल्यू एस मैं ए डब्ल्यू एस का मुझे आइडिया है इसलिए मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ एंड मुझे नाम याद है अच्छे से एंड डेवलपर एसोसिएट हो गया राइट right? सो so, अब आपके पास अगर ए डब्ल्यू एस का डेवलपर एसोसिएट का सर्टिफिकेट है एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर एग्जाम होता है दोस्तों इसमें चीटिंग कोर्स वगैरह के टेस्ट की तरह नहीं है गूगल सर्च कर लिया वगैरह प्रॉपर एग्जाम होगा प्रोप्ट एग्जाम होगा एंड वो एग्जाम जब आप दे देते हैं तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास एक इंडस्ट्री वाली सर्टिफिकेशन है जो इंडस्ट्री में रेकोग्नाइज है आई थिंक दैट्स द डिफरेंस इंडस्ट्री में रेकोग्नाइज सर्विस और एज अ सर्टिफिकेट जो आपको उस सर्विस के फील्ड में एंटर करने देगा वो अगर आप डेवलपर बनना चाह रहे हैं उसके साथ पेयर करें तो बहुत ही अच्छा है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में ही जाना चाहते हैं आप डेवलपमेंट साइड पे नहीं जाना चाहते तो बेसिक पाइथन और जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग साइड से आप सीख सकते हैं एंड उसके बेस पे पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं दिस इज द स्किल बिकॉज सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है अगेन बोनस का वेट जरूर करें लाइक like बटन लग, दबा दे पहले तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छे लग रहे हैं बट दूसरा बोनस का वेट जरूर करें इस पॉइंट पे मैं बोनस वाले सेक्शन में एक्सपैंड करूंगा नंबर तीन गाइज में मैं दो चीजें आपको देना चाह रहा हूं एक नहीं वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेकेंड इज मार्केटिंग आप बोलोगे दोनों का रिलेशन नहीं है फिर एक पॉइंट में क्यों दे रहे हो एक पॉइंट में इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दोनों की पार्टली सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं नॉन टेक्निकल अगर आप रोल्स में जाना चाह रहे हैं तो दीज टू आर अ गुड ऑप्शन सो so, मार्केटिंग में काफी सारे लोग इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारे लोग इंटरेस्टेड है मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है एंड आई हैव आइव ऑलोट अबाउट कि अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटर बनेंगे यानी कि सिर्फ एड्स चलाने वाले बनेंगे तो यू आर गोइंग टू बी पेड लो या आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से सो so, वो हमें नहीं करना है हमें थोड़े मैनेजेरियल स्किल्स लीडरशिप स्किल्स भी लाने हैं स्ट्रेटिजिकल ब्रांड मैनेजमेंट स्किल्स भी गेन करने हैं भले वो कोर्स एरा के फ्री कोर्स से करें भले ही आप यूडमी के किसी ब्रांड मैनेजमेंट के या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्स वाली साइड से थोड़ा सा आइडिया ले, ले लेंगे प्रोडक्ट साइड पे चीजें कैसे होती हैं ग्रोथ साइड पे चीजें कैसी होती हैं सो दैट आप सिर्फ ऐसे ना बन जाए कि भाई तीन ऐड ऑन कर दे भाई चार ऐड ऑन कर दे उसमें क्या होता है वो एक एंट्री लेवल रोल है एंड वो एक करियर अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे नहीं आते हैं तो वो करियर एंट्री लेवल ही रह जाएगा सो दैट इज अ बिग डिफरेंस इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एकदम बेस लेवल पे नहीं अटक जा रहे हैं पैरेलल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब डिजिटल मार्केटिंग के डायरेक्ट सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है बट मार्केटिंग में हबस्पॉट के फ्री सर्टिफिकेशन आर ट्रीटेड वेल गूगल के सर्टिफिकेशन आर ट्रीटेड वेल इवन फेसबुक के जो सर्टिफिकेशन हैं अगर फ्री सर्टिफिकेशन भी आप कर रहे हैं मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ हायरिंग की तरफ से अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है एटलीस्ट इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स आपको आपका बाकी का रिज्यूमे आपने अच्छे से भेजा है अपना कवर लेटर अच्छे से भेजा भेजा है आपको इंटरव्यू का चांस मिल जाना चाहिए क्यों क्योंकि वो काइंड ऑफ इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स माने जाते हैं इवन दो दे आर फ्री राइट ये चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा

आप कोई भी फील्ड अगर में जाना चाह रहे हैं तो इट विल मेक सेंस कि आप उनके इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन करें तो आप पढ़ाई भले यूडमी से करें बट आपको पांच दस पंद्रह हजार की रेंज में जो है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे माइनस फॉर एग्जाम्पल पी एम पी वगैरह जो थोड़े महंगे हो जाते हैं थोड़े मतलब काफी महंगे हो जाते हैं सो वहां पर आपको वो वाले को छोड़ के या अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है बट इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन ऐसे होते हैं जो कि मोटा मोटा ना एक तरीके से स्टैंडर्ड मान लिए गए हैं सेम चीज आपको साइबर सिक्योरिटी साइड पर भी दिख जाएगी साइबर सिक्योरिटी में भले ही सिसा कर रहे हैं या इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं सिक्योरिटी प्लस हो गया जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पटिया का या आप अगर नेटवर्किंग साइड पर जाना चाहते हैं तो CCNA का सर्टिफिकेशन है या नेटवर्क का नेटवर्क A+ है फ्रॉम कॉम्पटिया रादर राइट जो कि साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज नेटवर्किंग के बीच में आ जाता है सो so, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो उस करियर स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माने जाते हैं तो अगर मेरे पास डिग्री है भी तो भी अगर मैं किसी जॉब में जा रहा हूँ ना मैं वो कर रहा हूँ ऐसे सर्टिफिकेशंस आप कैसे ढूंढ सकते हैं ऐसे सर्टिफिकेशन आप लिंक पे जा सकते हैं किसी के भी प्रोफाइल पे जिसको आप फॉलो करते हैं जिसका करियर आपको अच्छा लगता है लगता है यार ये बंदे का करियर ना ट्रेजेक्ट्री सही है मैं ये फॉलो करना चाह रहा हूँ उनके लिड प्रोफाइल में यूजुअली लोगों ने अपने सर्टिफिकेशन टैग किए होते हैं वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उनके सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा एंड दैट विल एटलीस्ट हेल्प यू गेट एन गेट अ सेंस ऑफ की इंडस्ट्री में बाकी लोग कौन से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जो कि एक अच्छे लेवल पर है राइट एंड ट्राई करें कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन करके विदाउट अ डिग्री आप जॉब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इट विल बी हार्ड बट ट्राई करें कि आप इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन ले ले वहां पे आपको एक एज मिल जाएगा आपको एक फायदा बहुत बड़ा हो जाएगा कि भली डिग्री नहीं है बट आपने एक इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन ले लिया क्योंकि ये न, ये इंडस्ट्री ना प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं ऐसे नहीं होते गूगल कॉपी पेस्ट वाले आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया जाता है आपका वेब रिकॉर्ड किया जाता है आपके माउस स्ट्रोक्स रिकॉर्ड किए जाते हैं तो आप चीटिंग नहीं कर सकते इन चीजों में एंड दैट आई थिंक मेक्स अ अ हेल ऑफ डिफरेंस इट कम्स टू बी ट्रीटेड एज लाइक अ सीरियस सर्टिफिकेट ऑल्सो आप ऐसे सर्टिफिकेट्स के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं राइट right? इन प्रोग्रामिंग लास्ट बोनस पॉइंट इन प्रोग्रामिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बूट कैंप दैट विल रियली रियली हेल्प यू मैंने बहुत लोगों से बात किया है एंड जिन लोगों से मैंने बात किया काफी सारे लोगों का ओपिनियन ऐसा था कि यार अगर हम पहले ही बूट कैंप कर लेते तो थोड़ा आसान हो जाता लाइफ राइड right? एंड दिस 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 फैक्टर और रैदर दिस स्टेटमेंट के पहले ही बुट कैंप कर लेते थोड़ा ईजी हो जाता है इंडस्ट्री एंटर करना आई थिंक सेज़ अ लॉट तो अगर आप बुट कैंप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो गो फॉर समथिंग लाइक दिस की खुद से कोडिंग सीखा खुद अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया फॉर प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ स्पेसिफिकली एंड उसको गूगल क्लाउड या अमेजोन क्लाउड के जो है सर्टिफिकेशन के साथ उसको आपने पाइलअप कर दिया सो so दैट ऐसा हो जाए कि यार हाँ भाई आई टी और टेक रिलेटेड इस बंदे के पास कुछ सर्टिफिकेट आपको क्यों हायर किया है एंड क्वेश्चन टू गेट दैट जॉब सो दैट्स इट फॉर दिसके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है एज ऑलवेज आप उनको कॉमेंट्स में छोड़ सकते हैं इन द कमिंगडियोज एज वेल एंड मेक टू स्मैश देट लाइक बटन मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर